गवर्नमेंट ने इनको डिवाइड किया है मेगा कैटेगरी, मिडी कैटेगरी और मिनी कैटेगरी, कि वो सारे क्लस्टर्स जिनका एरिया 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट फ्रॉम दिल्ली से हैं ये, उनके मेंबर अफसर्स, एएमओ प्लानिंग एंड मार्केटिंग, प्रेसिडेंट फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन जनाब अमीन साहब, प्रेसिडेंट पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन जनाब शबीर साहब, प्रेसिडेंट जमींदार एसोसिएशन जनाब मलिक मुश्ताक साहब, एफपीओज के मेंबर्स और दूसरे ग्रोवर्स, अस्सलाम वालेकुम। और आपका इस प्रोग्राम में आज खैर मकदम है। एजेंसी तो इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को ये सहूलत है कि वो ऐसा नहीं है कि तीनों को वो पूरे सारे कंपोनेंट्स पे लेके चलेगी। तो क्या किया गया है, इन कंपोनेंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्री प्रोडक्शन, पूरी वैल्यू चेन को प्री। इस प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री आपको हेल्प करेगी प्री प्रोडक्शन से लेके लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में जो भी इंटरवेंशन होंगे, जो भी जेकेएसपीएमसी ने चाहा कि क्लस्टर को देने चाहिए, वो हमने सारे उस रिपोर्ट में दे रखे हैं। यानी कि जितने भी इंटरवेंशन फ्रॉम फार्म जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वो भी इसमें इन्होंने प्रपोज किया है, उसकी भी जरूरत है हमें यहाँ पे इस चीज की। वो सारे जहाँ तक काम किया उसके लिए भी हमें जरूरत है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को लेके या जो भी स्टेक होल्डर्स है इस एक्ल चेन में, उनको लेके कि हमने जो इसमें इंटरवेंशन प्रपोज किया है, आप जरा इन चीजों को वैलिडेट करिए। मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से एक नया प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसको क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें पैन इंडिया पूरे हिंदुस्तान में 55 क्लस्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से शुपयान जो ज़िला शुपयान है, इसको बहसत एप्पल क्लस्टर इन्होंने नामजद किया है। हम जेकेएचपीएमसी की तरफ से इंशाल्लाह आने वाले 4 सालों में 268 करोड़ का एक मंसूबा बनाया हमने, जो हम जिसको हम एंड टू एंड सोल्यूशन कहते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लेके लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग और ट्रेडिंग के लिए हमने एक मंसूबा बनाया। तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ ग्रोअर्स के साथ एक इंटरेक्टिव मीट रखी है, जिसमें शुपिया के जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनसे हमने हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया है, ये सुनने की हमने यहाँ कोशिश किया कि क्या जहाँ पे गैप है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कैसे पूरी की जाएगी।